सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हितेश शर्मा और स्वागत है आपका HS Vlogs YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आज हम जा रहे हैं फोटोशूट पे, जो कि हमारे साथ हैं एडी भाई और जीतू भाई। हम जाएंगे आज फोटोशूट पे। हमारा कोई डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ पे फोटोशूट करेंगे, परंतु हम घर से जो है निकल पड़े हैं और जैसे ही हमको अच्छा लोकेशन दिखेगा तो वहाँ पे हम फोटोशूट करने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं हिमाचल की अच्छी लोकेशन है, जहाँ की आप भी आकर के अपना अच्छा फोटोशूट करवा सकते हैं। आज हम जा रहे हैं स्पेशली रवि भाई के साथ फोटोशूट करवाने। तो भाई चलते हैं ना फोटोशूट करवाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, चलो। तो गाइज हम आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो, वीडियो को पूरा वॉच करें और पूरा देखें कि हम कहाँ पे जाते हैं, कैसे हिमाचल के रोड हैं, कैसे हिमाचल के पहाड़ हैं। तो आप भी कभी आकर के हमारी तरफ फोटोशूट पे जा सकते हैं। सो गाइज आज हम निकले हैं फोटोशूट पे, जो कि हमारे एडी भी हैं फोटोशूट के बहुत शौकीन हैं। हमने फोटोशूट के लिए एक स्पेशल बंदा लेके जा रहे हैं, फोटोशूट बहुत अच्छा करता है ये। और दोस्तों हम आपको आज इतनी बेटर बेटर लोकेशन दिखाने वाले हैं ना कि आप बोलेंगे भाई क्या कमाल की जगह दिखा रहे हो यार। अभी कुछ प्लान है तो नहीं वैसे कि एग्जैक्ट कहाँ जाना है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, बस निकल पड़े हैं घर से, देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पे अच्छा लोकेशन मिलता है वहाँ पे फोटोशूट कर लेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे आज हमको अच्छा लोकेशन मिलता है और वहाँ से फोटोशूट स्टार्ट करेंगे। सो देखिए निकल पड़े हैं फोटोशूट के लिए। एडी भैया कर रहे हैं हमारी ड्राइव, बहुत अच्छे राइडर हैं ये भी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है पतली पतली रोड होती है हिमाचल में। यहाँ पे बहुत ही सावधान होके भाई ड्राइव करनी पड़ती है, छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। जैसा कि देख रहे हैं ना आप, ये क्या किस तरह से पास लेना पड़ता है। हिमाचल वाले लोगों को तो इतना गाड़ी चलाने में मुश्किल नहीं है, पर जो बंदा बाहर से आता है ना भाई, बहुत मुश्किल होती है। मैं तो यही कहूँगा भाई, जब भी आए आराम से आए, क्योंकि हर किसी के साथ फैमिली बैठी होती है, भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हो, पर आराम से आएंगे भाई बेटर होगा, कुछ नहीं रहेगा। ये देखिए भाई इतना अच्छा रोड है। और ये हमारे साथ अजय भाई, जो कि फोटोशूट के लिए लेके जा रहे हैं इनको स्पेशल। ये देखिए, वाह क्या बादल है भाई। आपको लग रहा होगा ना जिस तरह से थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी आपको दिख रही है, कि जहाँ हम फोटोशूट करवाने जा रहे हैं वो लोकेशन कैसी होगी, इमेजिन। वाह देखिए दोस्तों इतनी पतली रोड है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में इतनी पतली रोड होती है तो आप क्या करें कि जब भी ये कर्व होता है ना, तो अगर आप कर्व पे हॉर्न मारेंगे तो अगले बंदे को थोड़ा हिंट मिल जाता है कि आगे से गाड़ी आ रही है, तो बंदा अलर्ट हो जाता है। तो हॉर्न का ध्यान रखें। ये देखिए, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हम फोटोशूट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा प्रकृति का इंजॉय लें और फिर उसके बाद हम वो वाली लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पे हमको आज अच्छी लगेगी, वहाँ पे हम आपका वीडियो शूट करेंगे। ये देखिए भाई का फोटो शूट करेंगे और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको हिमाचल की ग्रीनरी। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी लगी है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। ये जो होटल्स हैं यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करके आए हैं, वो जो वाइट कलर की गाड़ी है। और दोस्तों यहाँ से हम इधर से चलते 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 हम पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए हैं दोस्तों फोटोशूट करवाने के लिए, जो कि हमारे साथ हैं आज एडी भैया और जीतू भैया। तो ये प्लेस देख रहे हैं दोस्तों फोटोशूट के लिए, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना दोस्तों। पर दोस्तों थोड़ा सा हमको यहाँ पे डर लग रहा है, ये जो टावर लगे ना दोस्तों, ये जो वायरिंग है इतना वाइब्रेट कर रही है वाई गोड से ना दोस्तों, इतना वाइब्रेट कर रही है कि हमको ये लग रहा है कि हमको यहाँ कहीं कुछ हो ना। चलो पर यहाँ पे होगा तो कुछ नहीं, फिलहाल फोटोशूट ही होगा। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये हमारे भैया के चश्मे, वॉचेस, ये कपड़े, अलग अलग ड्रेसेस पे फोटोशूट करेंगे। इतना क्रेज है भाई इसको फोटोशूट का। आप दोस्तों इसको एडी भैया को आप इंस्टा पे जा करके फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी फोटोशूट डालता है। और मैं आईडी इसकी आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों।
तो ये चल रहा है, चलो भाइयों, भाई का फोटो शूट चल रहा है। तो ये दोस्तों इतना ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, देखो मजा आ रहा है भाई, पूरा मजा आ रहा है। वाओ वाओ वाओ, अल्टीमेट अल्टीमेट, क्या ग्रीनरी है भाई साहब। इतने टाइम के बाद हिमाचल में लॉकडाउन खुला है और हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। पर दोस्तों हिमाचल में एक ये होता है ना कि आपको अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाने के लिए गाड़ी से बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है, तभी आप अच्छी लोकेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हर जगह रास्ते बनाना संभव नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, ये गाय माता है, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जो कि यहाँ पहाड़ियों में ठहरते हैं, तो उनके यहाँ पे घर हैं दोस्तों। हो रहा है ना भाई ये फोटोशूट? ये कोई मंदिर है, जय माता दी, हमको पता तो नहीं किस चीज़ का मंदिर है, पर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मंदिर है। यो 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 यो, अल्टीमेट दोस्तों, हम आपको ये टेंपल दिखाते हैं, ये फोटो शूट चल रहा है। वाओ, इतना ग्रीनरी है यार भाई साहब, क्या लोकेशन है यहाँ पे। बस थोड़ा सा आने में सांसें फूल रही थी, पर यहाँ पे आके लग रहा है कि नहीं यार भाई, अच्छा प्लेस है ये लॉकडाउन खुल रखा है तो ये मंदिर में कुछ और दर्शक आए हैं, जो कि हमारे रीति रिवाज हैं कि यहाँ पे आना पड़ता है मंदिर पे। तो ये देखिए दोस्तों, इतना अच्छा प्लेस है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, चलो ले चलते हैं हम आप मंदिर में। तो ये हमारा टेम्पल है। तो ये कुछ और भाई लोग आए हैं जो कि इस मंदिर में आए हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि सर ये कौन सा मंदिर है? अच्छा, ये भी सर दूर से आए। सर कहाँ से आए आप? अच्छा, नूरपुर गग्गल से आए, ये भी काफी दूर से आए हैं। मेरे को लग रहा होगा कि हिमाचल खुल चुका है तो अंकल वगैरह यहाँ पे आए हैं। यहाँ कुछ सर आप शौक से आ गए या कुछ मन्नत वगैरह थी तभी इतने दूर आए हैं? अच्छा, ऐसे माथा टेकने के लिए, मतलब आपको पता था कि यहाँ पे मंदिर है, पहले भी आते थे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है इन सर के साथ मिल करके। तो ये मंदिर है और इतना अच्छा लोकेशन, पर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये जो वाइब्रेटिंग हो रही है ना, ये वायरिंग की, काफी खतरनाक है नहीं अंकल जी? हाँ, तब ये अंकल जो है हमको प्रसाद खिला रहे हैं, ये बर्फी। तो ये गाइस काफी टेस्टी बर्फी होती है, इसकी जोधपुर की बर्फी है, खोए की बर्फी होती है, इतनी मशहूर बर्फी है ये कि बहुत ही अच्छा मजा आता है इसको खा के। ओके, ये हमारा मंदिर है जय माँ काली, हमको पता ही चल चुका है कि ये जय माँ काली माता का मंदिर है। तो आप पूछ सकते हैं किसी को भी जोत पे आके कि काली माता का मंदिर कहाँ है, और यहाँ पे फोटोशूट के लिए आ सकते हैं।